इमाम साहब मुबारक हो आपको, आपने पार्टी का आज आगाज़ कर दिया। ये बताएं, थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि आप इस वक्त मशीर हैं वज़ीर आज़म के, तो क्या इस्तीफ़ा दे दिया है या आप रिज़ाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी अब तो। देखिए मेरे भाई, इतना मेरा प्यारा भाई हो के ऐसा कमज़ोर सा सवाल करेगा, हम पूरा पाकिस्तान इस वक्त इत्तेहाद में है, और मैं समझता हूँ जब हमारा इत्तेहाद है, हमारी नून लीग हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक है, और आप देखिएगा कि ये ताल्लुक हम ख़राब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जो ये डर्टी पॉलिटिक्स है ये हमने बिल्कुल नहीं करनी, मेरे कायद जहांगीर खान तरीन ने भी नहीं की और ये हम भी नहीं करेंगे। अच्छा नुमान भाई, मुस्ताफी आप मुस्ताफी होने की जरूरत नहीं है ना, कि एक हमारा जॉइंट है हमारा। नुमान भाई ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा बन गई है। देखिए मेरे भाई, ये आप इस तरह के टेक्निकल सवाल ना करें, आज हमारी पार्टी बनी है, उस पार्टी ने आगे चलना है, उसकी कारकर्दगी देखिएगा, उसके सियासतदान देखिएगा, हमारी जबान देखिएगा, उसके बाद ये फैसला। नुमान भाई ये बताइए कि जो पार्टी में ओहदे क्या, किसकी किसके पास है, कौन सदर है, कौन पैटर्न चीफ है। मेरे भाई आज पार्टी अनाउंस हुई है, अब इसके लिए थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, और जो मैं समझता हूँ एलिजिबल होंगे, अहम लोग होंगे, उनको ये पार्टी की सरबराही मिलेगी, जो हार भर और जो मतलब कि इस पार्टी को ना सिर्फ चलाएंगे बल्कि इस कौम को और इन सियासतदानों को। नुमान भाई कुलीदी ओहदे किन के पास हैं, बड़े मेन ओहदे किन के पास अभी कोई